हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बुक एवोल्यूशन क्लास 4 का एक और चैप्टर लाइट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कितने मेन टॉपिक्स हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट, सेकंड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फोर्थ ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट शैडो फॉर्मेशन। तो टोटली इस चैप्टर में हम लोगों को 5 मेन टॉपिक्स कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू वॉक अराउंड विथ योर आईज क्लोज्ड और एट नाइट इन द डार्क इन अ रूम? क्या आप अंधेरे में या फिर अपनी आंख बंद करके चल सकते हैं? ऐसा क्यों? हम लोग जो चीज नहीं देख पाते हैं उसमें हम लोग गिर जाते हैं, तो सब चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। दिन के समय हम लोग सामान को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो हमें रोशनी देता है, जिसके वजह से हम लोग सामान या फिर थिंग्स को देख सकते हैं। रात में हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यूज करते हैं ताकि हम लोगों के आसपास के जितने भी सामान है वो हम अच्छी तरह से देख सकें। तो चलिए इस चैप्टर में लाइट के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ लाइट। Objects that emit light called sources of light. Sources of light can be of two types, natural and artificial. जो objects light emit करते हैं, light निकालते हैं, light देते हैं, उसे हम लोग sources of light कहते हैं। तो light का source दो तरह का होता है, एक natural source of light और second artificial source of light. Those objects that give off light and are not made by man are called natural sources of light. Sun is the main natural sources of light on the earth. Other examples include stars and the moon, but the moon does not have its own light. जो objects light देते हैं लेकिन वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे हम लोग natural source of light कहते हैं। For example, sun. सन जो है वो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे। सन अपना लाइट एमिट करता है। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे स्टार्स, मून, लेकिन जो मून है वो अपना लाइट एमिट नहीं करता है। इट रिफ्लेक्ट सन लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। Stars provide us very little light at night as they are too far away from us. Some animals like glowworm and fireflies also emit light. जो moon होते हैं उसमें से light आती है लेकिन वो उसका light नहीं होता है। जो sun का light होता है वो moon से reflect होके रात में दिखाई देता है। Stars भी थोड़ी light प्रोवाइड करते हैं रात में, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए उसका लाइट हमें उतनी रोशनी नहीं दे पाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि ग्लो वॉर्म एंड फायर फ्लाइज ऑल्सो एमिट लाइट। कुछ कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे कि ग्लो वॉर्म, फायर फ्लाइज, ये सब अपना लाइट एमिट करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ग्लो वॉर्म और फायर फ्लाई लाइट दे रहे हैं। पहला जो है वो ग्लो वॉर्म है, ग्लो वॉर्म अपना लाइट एमिट करता है, और सेकेंड फायर फ्लाई। दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट लाइट तो देते हैं, लाइट एमिट करते हैं, और वो मैन के द्वारा बनाया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उन सोर्सेज ऑफ लाइट को हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करता है और वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया, उसे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है और इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। Examples of artificial sources of light are an electric bulb, a tube light, an earthen lamp, kerosene lamp, a torch, and a wax candle.
ये सब एग्जाम्पल्स है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो इस पिक्चर में जो आप पिक्चर पहला पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्यूबलाइट का पिक्चर है जो इंसानों द्वारा बनाया गया और ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। सेकेंड है अर्दन लैम्प, मिट्टी के लैम्प में जला हुआ, ये भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। और ये केरोसिन लैम्प, ये केरोसिन की मदद से जलता है, तो ये है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन, स्टार्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट अपने आप, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब में से लाइट निकलती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स में से लाइट निकलती हैं, एमिट होते हैं अपने आप, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Objects like table, book, moon, pen, stone, etc. are non-luminous object. We see the non-luminous objects only when light falls on them. जो object अपना light emit नहीं कर पाते हैं अपने से, उसे हम लोग non-luminous object कहते हैं। Objects जैसे कि table, book, moon, pen, stone, ये सब में से light नहीं निकलती, तो इसे हम लोग non-luminous object कहते हैं। हम लोग non-luminous object को तभी देख पाते हैं जब उनमें light fall करता है। ये सब जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पहला बुक, दूसरा पेन और तीसरा टेबल है जो कि लाइट एमिट नहीं करता है, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद एमिट करता है, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट अपने आप लाइट एमिट नहीं करता है, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग जानेंगे कि लाइट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जो लाइट है वो सीधे लाइन में, मतलब सीधी तरह से ट्रैवल करता है। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट अ स्पीड ऑफ 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो भी किसी स्पीड में ही चलता है। तो लाइट का स्पीड होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। तो जो लाइट है वो अपने सोर्स की मदद से सारे डायरेक्शन में भी ट्रेवल करता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट रीच आवर आईज वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। जब कोई लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, तब वो लाइट बाउंस करता है, कहाँ? बैक। उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज उस ऑब्जेक्ट से बाउंस करके आ रहा है, जब वो हमारे आंखों में जाता है, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। When light travels from one medium to another, its speed changes, so as a result it bends and changes its direction slightly. This phenomenon is called refraction of light. तो जब light एक medium से दूसरे medium में जाता है, मतलब कि जब light air से water या फिर water से air में जाता है, तब उसका जो speed है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से जो लाइट है वो अपने आप बेंड कर जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो दो वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप हायर क्लासेस में बहुत ही डिटेलिंग में पढ़िएगा। विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इंटू 7 कलर्स ऑन बींग पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। These colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short form, vibgyor. जो light हमें दिखाई देती है, वो 7 color में बिखर सकते हैं, split होते हैं, जब उसे glass prism के through pass करवाया जाता है। तो वो सब में से कौन कौन से color निकलते हैं? Violet,
indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short form, Vibgyor. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ट्रायंगल है ये एक ग्लास प्रिज्म है। इसमें से एक विजिबल लाइट पास की, जिसके वजह से सात रंगों में ये कलर एमिट हुआ। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। We can see through glass but not through book. This happens because some objects allow light to pass through them while others do not. हम लोग जो ग्लास से लाइट को देख सकते हैं लेकिन बुक से नहीं देख पाते, मतलब कि ग्लास से हम लोग आर पार देख सकते हैं लेकिन अगर बुक को बीच में ले आए तो बुक के आर पार हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ग्लास से देख पाते हैं आर पार और बुक से नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने से और कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, सेलोफेन शीट एक्सेट्रा। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं कम्प्लीटली, जिससे हमें आर पार सब कुछ दिखता हो, वो भी अच्छी तरह से, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है ग्लास, वाटर, सेलोफेन शीट। ऑब्जेक्ट्स सच एज बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शियली। जो बटर पेपर होता है या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास जो होते हैं उसमें से भी लाइट पास होता है लेकिन बहुत कम लाइट पास होता है, जिसके वजह से हमें आर पार उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होता है लेकिन पार्शियली, उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी अमाउंट टू लाइट to pass through them and are called opaque objects. For example, wood, clothes, plastic, etc. तो कुछ objects ऐसे होते हैं जो light को pass बिल्कुल नहीं होने देते हैं और उसे हम लोग opaque object कहते हैं। तो जो objects light को एक inch भी pass ना होने दे उसे हम लोग opaque object कहेंगे, जैसे कि example में wood, clothes, plastic, etc. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को अच्छी तरह से आर पार होने देते हैं, पास करने देते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन पार्शियली, जिसके वजह से हमें साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, तो उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स एक इंच भी लाइट पास नहीं होने देता है उस ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। शैडो फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर का मेन एज वेल एज लास्ट टॉपिक है शैडो फॉर्मेशन। एज वी नो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। दिस ब्लैक कलर्ड एरिया ऑफ डार्कनेस इज अदर कॉल्ड अ शैडो। The following three things are required for the formation of shadow. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो light है वो straight line में travel करता है। तो जब जो light travel करता है straight line में, अगर उसके बीच में एक opaque object आ जाए जिसमें से कोई light pass नहीं होता है, तब जब वो opaque object light के बीच में आएगा तो वो light को block कर देगा, जिसके वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ना जाकर उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे ब्लॉक रहेगा, जिसके वजह से जो लाइट है उसका तो पासिंग रूट तो ब्लॉक हो गया, तो उसके जो सामने है वहां एक एरिया बन जाता है जो डार्कनेस से भर जाता है, अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग लाइट के बीच में अपना हाथ लाते हैं जो कि एक ओपेक है, उसके वजह से लाइट ब्लॉक होता है और नीचे क्या बनता है, उसका शैडो, परछाई बनता है। तो उसी तरह से जब कोई लाइट के ट्रैवल करने के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट ले आए तो वो ब्लॉक हो जाता है और पीछे एक डार्कनेस एरिया बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का, जिसे हम लोग शैडो बोलते हैं।
The following three things are required for the formation of shadow. अब shadow के formation के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होना चाहिए. पहला a source of light, second an opaque object, and third a screen or surface behind the object. तो इसे practically देखने के लिए, shadow formation को practical way में देखने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है. Source of light, जो कि आप कुछ भी use कर सकते हैं जैसे torch. सेकेंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट का रास्ता ब्लॉक करे. और थर्ड अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच में तो ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, अब उसके परछाई को देखने के लिए एक स्क्रीन या फिर कोई सरफेस जो प्लेन हो उसके आगे रखिए या फिर स्क्रीन को जाके पीछे रख दीजिए, जिसके वजह से आपको शेडो अच्छी तरह से दिखाई देगा. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट टू फॉर्म अ शेडो. ओपेक ऑब्जेक्ट्स form dark shadows on the surface while translucent objects form faint shadows. Transparent objects do not form shadow as light passes completely through them. तो object हम लोग जो ले रहे हैं वो या तो opaque होना चाहिए या फिर translucent ताकि shadow बन सके. लेकिन अगर आप opaque object use करते हैं जो shadow बनेगा वो पूरा dark रहेगा, एकदम black. और अगर आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो डार्क तो नहीं रहेगा लेकिन फेंट यानी कि धुंधला धुंधला शेडो जरूर बनेगा और हल्का कलर का शेडो बनेगा. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से शेडो नहीं बनता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट आसानी से पास हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. अब शेडो कैसा होता है? अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो शेडो हमेशा जो बनते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक ही होते हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है. ऑब्जेक्ट का कलर होने के बावजूद भी जो शेडो बनता है वो ब्लैक ही बनता है. द साइज ऑफ द शेडो वैरीज डिपेंडिंग अपॉन. तो शेडो का जो साइज है वो भी अलग अलग तरह का बनता है, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. अगर आप ऑब्जेक्ट यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा आगे या पीछे करिएगा तो जो शेडो है उसका साइज छोटा या फिर बड़ा बनेगा. सेकेंड कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. अब जो लाइट है ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे जो स्क्रीन है, अगर आप ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की दूरी को पास या फिर दूर करें तब उससे भी शेडो पे वैरी करने लगता है, शेडो चेंज होता है, या तो छोटा बनता है या फिर बड़ा. Size of shadow changes with the position of sun. Shadows are long in the morning and evening while they are the shortest at midday when the sun is overhead. जो shadow है उसका size change होता है जब sun का position change होता है. आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि जब आप लोग सुबह सुबह जब उठते हैं और बाहर जाते हैं तो बाहर bright sun रहता है आपके सामने, तो आपका shadow कहाँ बनता है? पीछे बनता है. उसी तरह से जब सन अपना पोजीशन चेंज करता है तो शैडो का भी साइज धीरे धीरे चेंज हो जाता है. और सबसे छोटा कब बनता है? जब सन हम लोग के जस्ट सर के ऊपर होता है, इन द ओवरहेड. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप मॉर्निंग शैडो देख पा रहे हैं. मॉर्निंग शैडो कैसा है? वो टेढ़ा बना है, साइज उसका देखिए वो थोड़ा से छोटा है. नून शैडो वो बहुत छोटा है और इवनिंग शैडो भी आगे लंबा है. A shadow always forms on the screen or surface behind the objects. जो shadow है या तो screen पे बनता है या फिर उसके पीछे जो surface है, object के जो पीछे surface है उस पे बनता है. हम लोग conclusion निकालते हैं कि light में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. तो पहला topic हम लोग का था source of light. तो उससे हमें क्या पता चला कि जो लाइट अपने आप एमिट होते हैं, जिससे इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे हम लोग नेचुरल लाइट कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट. और जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड था लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं ऑन देयर ओन उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. फिर था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट सीधे लाइन में चलता है यानी कि स्ट्रेट लाइन में. लाइट का स्पीड होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट के सोर्स की मदद से वो अपने कोई भी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है. इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.
और अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में चाहते हैं और इस चैप्टर का सल्यूशन चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहेगी अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.